जय माता दी। दोस्तों तो आज हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो हम आपको दिखाएंगे सागर से कटरा तक का सफर। पूरे सफर का मजा लीजिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों तो अभी हम लोग ने पठानकोट को क्रॉस कर दिया है और यहाँ जैसा कि आपको यहाँ बहुत गर्मी है, बारिश हो ही नहीं रही है, काफ़ी गर्मी। हम लोग सब जैसे तीन मेरे भाई भी आया, बहुत परेशान है। तो अब हम जम्मू को क्रॉस करेंगे 2 घंटे बाद और करीब 2 बजे के बाद हम लोग कटरा स्टेशन पर पहुँचेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का सफर, तो बने रहिए द रेयर इंडिया वर्ल्ड के साथ। दोस्तों तो हमारी ट्रेन यहाँ करीब 2:30 बजे पहुंची, जो काफी लेट चली, 4 घंटे देरी से। तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें यहाँ एक जगह मिले जिनकी मदद से हमें होटल मिल गई। इसका किराया वो 1000 रुपये बता रहे थे, पर हमें ज़्यादा नहीं रुकना था। तो 500 रुपये हमारी बात हुई, जिसमें उन्होंने हमें पिकअप भी लिया है, वो तो दर्शन का कार्ड भी देंगे हमें। उसके बाद अब हम लोग खाना खा रहे हैं। सही नज़ारों के लिए जुड़े रहिए द रेयर इंडिया वर्ल्ड। मैं संजय पांडे, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक बार दर्शन करने के लिए मैं जब बहुत तेज बारिश हो रही है अब माता दी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, जब देवी जी बुलाती है तो कोई नहीं रोक पाता। तो जब आपको बुलाएं तो आप भी मत रुकना, मेरे सफ़र का मजा लेने के लिए बने रहें मेरे साथ। चलो आओ, आपको जो क्या धुंध है यार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फॉग फॉग भाई साहब, भाई मिलेगा देखने को, कैमरे में नहीं आ रहा यार। ओके भाई, लेकिन फिर भी यार जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों तो हम भवन करीब 4:30 बजे सुबह पहुंच गए थे, लेकिन काफी बारिश होने के कारण हम वहां का वीडियो तो आपको नहीं बना पाए, लेकिन आपको हम ऐसे मनोरम दृश्य जरूर दिखाना चाहेंगे। मैं देखो आप क्या शानदार वादियाँ हैं, काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। और मेरी एक सलाह आपको ये है कि यहाँ शौचालय की बहुत गंदगी है, तो आप थोड़ा फ्रेश रेस अच्छी जगह पे हो लें। और बाकी सही है, चलते रहें तो हम आपको भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे। जय माता दी। दोस्तों ब्लॉग में बने रहें। वैसे सीढ़ियों चढ़ने में फ़ायदा है, बिकॉज आप यहाँ से घूम के जाओगे, सीढ़ियों से बचना चाहोगे तो आपको बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़िए, सेहत बनाइए। हाँ, अगर आप हृदय के रोगी हो तो बिल्कुल इन सीढ़ियों पर कदम ना रखें, वरना बोलो कि मेरे ब्लॉग से आपने सोचा ऐसा हो। तो रेयर इंडिया वर्ल्ड इसीलिए आपके लिए बनाया गया है कि हम ऐसी खास जगहों से आपको मिलाते रहें, दिखाते रहें, क्योंकि ऐसे मौसम में हम लोग ही आपको ऐसा दिखाएंगे। Oh my God, this is the heaven. Okay, हम आपको ऐसे ब्लॉग में और दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जय माता दी। तो अब हम आ गए हैं भैरव बाबा के द्वार पे, तो आपको यहाँ के नज़ारे देख के पता ही चल रहा हो कितना खूबसूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बादल ने पहाड़ियों को छू लिया है। Oh, seriously, what is this place? This is heaven.
गुड क्या नजारे हैं यार मेरे भाई, मन नहीं भर रहा है यार, सच में यहाँ तो जन्नत है। ओके ऐसे ही आगे बने रहिए ब्लॉग में, हम आपको और बताएंगे। अभी हम उतर रहे हैं, अपना सफ़र हमारा पूरा हो गया और जहाँ तक आज करीब 12 बजे हम तुम्हारी माता के दर्शन भी कर लेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। जय माता दी। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, काफ़ी फायदे बनते हैं, आप यहाँ तो रास्ते से भी जा सकते हैं। आगे खूबसूरत नज़ारे जय माता दी। जय माता की। दोस्तों तो आपका फिर से स्वागत है द रेयर इंडिया वर्ल्ड में। तो अभी हम अर्थकुमारी मंदिर में हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, या नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बहुत देर में नंबर लगता है, हमारा नंबर करीब 24-30 घंटे बाद आएगा। जैसे आप भी कभी आ रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर, तो अर्थकुमारी माता में अपना पर्ची कटवाइए और भवन का और भैरव बाबा का दर्शन करके आइए आराम से, और फिर आज जाके आपका नंबर आएगा। जैसा कि देख ही रहे होंगे मनोरम दृश्य, उसका आनंद लीजिए और बने रही हमारे चैनल के साथ। जय माता दी। नया रास्ता कटरा जाने के लिए, तो हम आपको इस रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं और दिखाते हैं कहां से आपको आना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये कट लगा है, अगर आप सीधा जाएंगे तो आप पुराने रास्ते में जुड़ जाएंगे जो कटरा के लिए जाता है, और ये नया रास्ता भवन के लिए है। और ये हम अगर नीचे से आएंगे तो नया रास्ता बहुत खूबसूरत है कटरा जाने के लिए, तो इसी पे आप चलते हैं हम कटरा। आइए बने रहिए सफर में, नज़ारे देखिए यार, मन बिल्कुल नज़ारे देखिए शहर के यार, जन्नत हेलीकॉप्टर सर्विस। जय माता दी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं नजारों से भरा पड़ा है ये रास्ता, क्या पेड़ देखिए आप, आपको मतलब फील होगा कि यार माता रानी आपके साथ चल रही हैं, बहुत शांति फील होगी, एकदम प्राकृतिक है यार ये चीजें। आप देखिए बने रही हमारे ब्लॉग के साथ है जी, सुंदर नजारों के साथ, क्योंकि ये लास्ट चरण चल रहा है हमारे ब्लॉग का, इसके बाद हम नीचे उतर के आपको बताएंगे। ये हमारे साथ आए हुए हैं अरुण पांडे और ये हमारे धनंजय भाई भी हैं। ये देखिए हम लोग तीन जन आए थे सफर में, तो बने रहिए ब्लॉग के लिए। रास्ता गाड़ियां आती रहती तो साइड में चले भी जरूरी है, सतर्क रहे हमेशा, जंगल है तो चलते रहे, बढ़िया थे उसके यार वगैरह वगैरह आपको अगर आपको दिखा रहे हैं तो डस्टबिन में जरूर आ रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करी यहाँ पे, बहुत शानदार। तो ऐसे ही बने रही ब्लॉग में। जय माता दी। दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकृति का नज़ारा मन को ही विभोर कर रहा है। ये अभी हम लंगर के पास आए हुए हैं और हम आपको आगे लंगर भी दिखाएंगे, बढ़िया, आप जितना पैसा खर्च कर भी खा लो, लेकिन यहाँ जय माता दी। दोस्तों तो हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त हुई, तो आगे हम आपको दिखाएंगे स्टेशन पे टिकट वगैरह लेना है, उसके बाद आपको और बताएंगे। चलो ब्लॉग में बने रहे। जय माता दी। दोस्तों तो हमारा वैष्णो माता के दर्शन हो गए हैं और हम अपना प्रस्थान कर रहे हैं घर वापस जाने के लिए। तो आप देख ही रहे हो कटरा स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं, हमारी ट्रेन 10:30 बजे है,
तो मेरा मानना है कि आप भी आराम से जैसे आओ तो 10:30-9 बजे यहाँ आ जाओ। थोड़ा कैमरा की क्वालिटी रात में अच्छी नहीं है, बाकी हमारा कैमरा टॉप क्लास रहा है। तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ, यहीं हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आगे भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे।